हे गाइस, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। सो इसमें हम वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो गाइस, हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज एलपीपी एंड इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कि मतलब एलपीपी है क्या एक्चुअली, हम उसको यूज क्यों करते हैं, और इसका कोई काम है भी या नहीं है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम इसके आगे देखेंगे। सो गाइस, पहले डिस्कस करते हैं कि एलपीपी है क्या। नाउ एलपीपी इज द मोस्ट वाइडली अप्लाइड मैथमेटिकल टेक्निक दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग फॉर ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब इससे हम क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है कि ये कि मैथमेटिकल टेक्निक है विच हेल्प्स अस इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कि हमारे को डिसीजन बनाने में, ऑप्टिमल डिसीजन लेने में, और हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमली एलोकेट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, और आपके पास कुछ कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशंस और डेटा आपके पास है। तो मान लीजिए आपको ये पैसा उस कंपनी में लगाना है, उस तरीके से लगाना है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो हम जो वैल्यूएशंस है कंपनी की और जो डेटा है उनका, हम उनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सॉल्व करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हम उस पैसे को कैसे ऑप्टिमली एलोकेट करें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, ताकि हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो। समझ रहे हैं आप? तो ये एक एग्जांपल हो गया कि हम एलपीपी यूज क्यों करते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, इट इज यूज इन वेरियस अदर थिंग्स एज वेल। तो हम इसके सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज इट डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स। इससे क्या समझते हैं, नोन एज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब कि जो हमारा ये फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स है, ये पार्ट, ये हमारा फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स है, और इसको हमारे को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। मतलब कि वी आइदर हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिस फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स व्हिच इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, हमारे को इसको मैक्सिमाइज करना है, क्वेश्चन में गिवन होता है जनरली। और अगर मिनिमाइजेशन का गिवन होता है कि आपको इसको मिनिमाइज करना है, तो उसका भी एक तरीका है कि इसको मैक्सिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करें, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इट इज सब्जेक्ट टू वेरियस कंस्ट्रेंट्स। नाउ कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये होते हैं कंस्ट्रेंट्स। मतलब कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया होगा जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका पैसा था जो आपको ऑप्टिमाइज करना था, ठीक है, और ये थे डेटा और एनालिसिस जो आपकी कंपनीज के थे। तो इसके बेसिस पे आप वैल्यूज निकालेंगे एक्स वन और एक्स टू की, ताकि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मैक्सिमाइज हो जाए। मतलब कि हमारे को जेड की मैक्सिमम वैल्यू मिले फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकते थे, लेस देन इक्वल टू दे रखे हैं यहाँ पे। तो जब हमारे कंस्ट्रेंट्स इस फॉर्म में दे रखे होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी आपके कंस्ट्रेंट्स इस फॉर्म में दे रखे होते हैं, कि मतलब कि कंस्ट्रेंट्स जो है आपके लेस देन इक्वल टू में है या ग्रेटर देन इक्वल टू में है, लेकिन सिर्फ इक्वल टू साइन नहीं है, तो आपके वो कैनोनिकल फॉर्म में कहलाते हैं, ठीक है। तो नाउ हमारे को कैनोनिकल फॉर्म से निकल के स्टैंडर्ड फॉर्म में आना होता है, दैट इज वी हैव टू कम फ्रॉम द कैनोनिकल फॉर्म इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो हाउ डू वी डू दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है एलपीपी की, फिर हम कन्वर्जन भी देखेंगे बाद में, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा तरीका है, या फिर ये एक्सप्लेनेशन है कि एलपीपी आखिर होती क्या है, उसको डिफाइन कैसे करा जाता है मैथमेटिकली, ना ही मैथमेटिकल एस्पेक्ट है उसका, ठीक है। सो हेयर वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल्स। एन वेरिएबल्स क्या है आपके, ये एक्स वन और एक्स टू, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और टिल एक्स एन। तो हमारे को क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इन एक्स वन एक्स टू की जो यहाँ दे रखे हैं वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। सिंपली आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि हमारे को जो गिवन है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसकी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की वैल्यू हम निकाल सकें। नाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन जनरल फॉर्म, दैट इज हमने थ्री को सी वन लिख दिया, और एक्स वन तो है ही, और फोर को सी टू लिख दिया जैसे कि यहाँ पे लिखा है, और सो ऑन टिल सी एन एंड एक्स एन। इन जनरल फॉर्म लिख दिया हमने कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स हम ले रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच हैज टू बी मैक्सिमाइज, ठीक है, एंड इट इज सब्जेक्ट टू वेरियस कंस्ट्रेंट्स। नाउ कंस्ट्रेंट्स क्या थे, कंस्ट्रेंट्स थे आपके ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ठीक है। नाउ इन कंस्ट्रेंट्स को हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे कि हमने जेड को लिखा था और यहाँ वेरिएबल्स डिफाइन करे थे,
तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स भी आ गए। जैसे कि ये कंस्ट्रेंट हो गया हमारा a11 x11 टिल a1n एंड xn इज इक्वल टू b1, ये सेम यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, बस यहाँ पे हमने इसको इक्वल टू साइन में लिख दिया है क्योंकि हम हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। एक बात याद रखिए, जब भी हमारे कंस्ट्रेंट्स, ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, इक्वल टू साइन में होंगे तो वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाते हैं, और जब भी वो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में होंगे तो वो कैनोनिकल फॉर्म में कहलाते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, ये आगे बहुत काम आएगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमने इन जनरल फॉर्म लिख दिया अपने कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, हमने बस 4 को b1 लिख दिया, 6 को b2 लिख दिया एंड सो ऑन, कि हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट द वेरिएबल्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एक तरीका होगा, सम अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स भी सॉल्व करेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये वाला पार्ट है रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स का, ये इजी टू सॉल्व होता है अनरिस्ट्रिक्टेड से कंपैरिजन में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट है, मतलब कि आपके जो वेरिएबल्स हैं दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, और ये आपके रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स कहलाते हैं जब भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। नाउ हम इन सब चीजों को, जैसे कि ये हमारे वेरिएबल्स थे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स थे, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स की वो थी वैल्यू कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, और अब हम इसको मैट्रिक्स नोटेशन में देखेंगे कि ये हमारी मैट्रिक्स नोटेशन है। ठीक है, तो मैट्रिक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू cx एंड विच इज सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स ax इज इक्वल टू b एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही, जो हमारे को दे रखा है। नाउ z इज इक्वल टू cx इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और c क्या है इसके अंदर, c हमारा ये वाला मैट्रिक्स है, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला मैट्रिक्स हमारा सी है, विच इज अ 1 क्रॉस n मैट्रिक्स, मतलब कि इसके अंदर एक रो है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, क्योंकि हमारा r into c होता है ना, नंबर ऑफ रोज into नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये वही है कि नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, जो आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर एक c और x ओवर वैल्यू है हमारे पास, ये x है तो ये x भी यही है, बस डिफरेंस क्या है, ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज तो आप जानते हो, ट्रांसपोज आई विल नॉट एक्सप्लेन इट टू यू, क्योंकि आप तो ये बेसिक है। ठीक है, तो ये x1 x2 xn है, ये ट्रांसपोज है इसका, तो हम इसको लिखेंगे n क्रॉस 1, क्योंकि इसके अंदर n नंबर ऑफ रोज होंगी क्योंकि ये ट्रांसपोज है, एंड 1 कॉलम होगा, एक कॉलम होगा और n नंबर ऑफ रोज होंगी। तो ये है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करा जा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द कंस्ट्रेंट, दैट इज दिस इज द कंस्ट्रेंट ax इज इक्वल टू बी। नाउ x इसमें भी यही है, अब b क्या है इसमें, b ये है कॉन्स्टेंट, ये है m क्रॉस n, क्योंकि ये भी एक ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ये आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पार्ट b, और x greater than equal to 0 दे रखा है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं हम अभी इस समय। नाउ मैं आपको ये सब क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वॉट इज एलपीपी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो ये सब आपको वहां पे लिखना है, ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप चाहे तो, ना भी दे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि एलपीपी होता क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन जनरल फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ही और इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी हो गई। हमारे को अब क्या करना होता है, x1 और x2 की वैल्यू निकाल के मैक्स ऑफ z निकालना होता है, जो हम क्वेश्चन करेंगे आगे जाके। ठीक है, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू रिमेंबर, जो मैं शुरू से वीडियो से बोल रहा हूँ, कि इफ द कंस्ट्रेंट्स आर ax लेस देन इक्वल टू b इंस्टेड ऑफ ax इक्वल टू b, then the LPP is said to be in canonical form. मतलब कि अगर हमारे constraints इस form में दिए हुए होते हैं तो वो canonical form कहलाती है, और हमारे को canonical form में नहीं खेल नहीं करना होता question, हमारे को standard form में question solve करना होता है, जो कि हम आगे करेंगे। ठीक है, so guys यही था इसके अंदर कि LPP होती क्या है, उसको हमने representation दे दी general form में, restricted variable से concept समझाया आपको, सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दिया होता है जब भी आपके कंस्ट्रेंट सॉरी आपके वेरिएबल्स x1 x2 या टिल xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, तो वो रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना। जब नहीं दिया होगा ये, जब ये नहीं दिया होगा तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड बन जाएंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड बन जाएंगे, और उसको हम तरीका सॉल्व करने का अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो गाइस यही था इस वीडियो के लिए, होप आपको समझ आया होगा। इससे बेसिक एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक नेट पे अवेलेबल होगी, इतनी आसानी से आपको मैंने पूरा समझा दिया कि ये क्या है। आपको बस बेसिकली ये लिखना है पेपर में, कितने नंबर का क्वेश्चन हो आपको ये करना है, एक्सप्लेन करना है। एक टॉपिक और होगा इसके आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलपीपी, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, आप वो भी चाहे तो लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एलपीपी के समझने के लिए, ठीक है। सो गाइस, अगर आप कुछ भी समझ नहीं आया इस वीडियो में या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और पसंद आई है वीडियो तो भी कमेंट में लिखिएगा कि द वीडियो वाज नाइस, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बस वाओ लिख सकते हैं, उससे मैं समझ जाऊंगा कि द वीडियो वाज गुड एंड यू वर एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंड बिफोर लीविंग, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।